फांसी दो, फांसी दो। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेनज़ीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वारिस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? नासिर का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? जोर से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसीवाद हो बर्बाद, बर्बाद हो बर्बाद। एक दो तीन चार बंद करो ये हत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये हत्याचार। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बजेंद्र को बैन करो, बैन करो, बैन करो। जोर से बोलो बैन करो, बैन करो, बैन करो। आवाज से बोलो बैन करो, बैन करो, बैन करो। सब मिलकर बोलो बैन करो, बैन करो, बैन करो। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वारिस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उमर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब, 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 इंकलाब। आवाज दो, आवाज दो। भाइयों आज 37वां दिन है और अभी तक मुजरिम अरेस्ट नहीं हुए हैं। राजस्थान सरकार सो रही है, राजस्थान सरकार के कान के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार जो कानों में बूझा ठोक के रखा है, ध्यान से सुन लीजिए। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इंसानियत अगर जिंदा है आपके दिलों के अंदर, कन्हैया के हत्यारे आतंकवादी हो सकते हैं तो नासिर और जुनैद के हत्यारे भी आतंकवादी हैं। ये संविधान ने राइट दिया है हमें प्रोटेस्ट करने का, इसीलिए तुम्हारी नीतियां खराब हैं, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। अगर आप लोगों ने मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया तो ये बात याद रखना, आने वाले वक्त में भारी खामियाजाना भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग मनु को इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहे हो, वो एक समाज से आता है और उस खास समाज का वोट है जो वो आपसे खिसक जाएगा अगर उसको पकड़ लिया जाए। गहलोत जी याद रखना, हमारे भी 9 या 10 विधायक होते हैं, अगर गहलोत जी हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिला तो सरकार 9-10 विधायकों के लिए लॉलीपॉप ही लेकर लेगी, जिस तरीके से तुमने हमें लॉलीपॉप दिया चिरंजीवी योजना और कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी बताकर। ये बात याद रखना, सरकार मुलजिमों को अरेस्ट ना करे सही, मगर इंसाफ तो